हेलो दोस्तों, आजकल हमारे प्रधानमंत्री साहब रुवांडा के दौरे पर हैं और वहां के लोगों को वो 200 गाय भी बांटेंगे। वैसे तो हमारे प्रधान सेवक साहब पिछले 4 सालों में 190 दिन उन्होंने विदेशों में ही गुजारे हैं और विदेश से लौटने के बाद उन्होंने कभी देश को बताया भी नहीं कि इस दौरे से उनको क्या फायदा हुआ या भविष्य में होने वाला है। ना ही किसी चैनल ने इसको दिखाया और ना ही किसी पत्रकार ने इससे पूछा, उनसे इस बात के बारे में पूछा। पर रुवांडा के इस दौरे से लौटने के बाद वो आपको कुछ बताए नहीं बताए, पर देश को फायदा जरूर हुआ है और देश को उससे सबक भी लेना चाहिए। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारा देश इस वक्त रुवांडा से बस कुछ ही मील दूरी पर रह गया है। रुवांडा एक चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो है 1994 में हुए जेनोसाइड के लिए। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी एक नस्ल को खत्म करने की कोशिश, और वहां महज 12 हफ्ते में 8 लाख लोगों को मार दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस काम को अंजाम दिया गया था उसी तरह से जो आजकल हमारे देश में चल रहा है, यानी फेक न्यूज, अफवाहें फैला करके। उस टाइम में स्मार्टफोन होते नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं होते थे, तो इसका सबसे सस्ता और आसान माध्यम हुआ करता था अखबार, और उससे भी सस्ता माध्यम था रेडियो, जिससे कि फेक न्यूज अफवाह फैला करके एक समुदाय के प्रति दूसरे समुदाय में नफरत पैदा करी गई, जिससे कि धीरे धीरे करके 8 लाख लोगों का कत्ले आम हुआ। उस टाइम में रेडियो पर एक स्लोगन भी चलाया जाता था कि अब कब्रें कब्रें अभी भरी नहीं है, कब्रें अभी खाली हैं। तो दोस्तों, आजकल वही हमारे देश में भी हो रहा है, फेक न्यूज फैलाने का माध्यम सिर्फ बदल गया है। आजकल स्मार्टफोन मौजूद है तो सबसे सस्ता और आसान माध्यम है व्हाट्सएप। आप लोगों के पास भी आए दिन कोई ना कोई फेक न्यूज का मैसेज आता होगा, तो क्या आपको पता है कि ये फेक न्यूज फैलाने वाले और बनाने वाले लोग हैं कौन? ये कोई आपके घर पड़ोस में रहने वाले आम नागरिक नहीं है, इनको हायर किया गया है। ये हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल हैं। इनको लाखों रुपए की सैलरी पर रखा गया है फेक न्यूज बनाने के लिए और फैलाने के लिए। इनको किन लोगों ने रखा है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, किस उद्देश्य से रखा है, कौन इनको सैलरी दे रहा है, इससे भी आप वाकिफ हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी कि समाज को विभाजन करने के लिए एक समुदाय के दिल में दूसरे समुदाय के लिए नफरत पैदा करना, जिसकी वजह से आजकल बेगुनाह लोग फेक न्यूज की वजह से मार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये सब बताने का मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग इस मैसेज को अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार दोस्तों में बताएं और फेक न्यूज के प्रति उनको जागरूक करें, ताकि ऊपर बैठे लोग जो कि आप लोगों को बांटकर, समाज को बांट करके आसानी से राज करना चाह रहे हैं, वो अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके। जय हिंद।